हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए बहुत ही यूनिक केक का डेकोरेशन इससे पहले मैंने कभी भी इस थीम के ऊपर केक का डेकोरेशन शेयर नहीं किया है ये पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो आशा करती कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा तो इस वीडियो को पूरा देखना इसके बिल्कुल भी मत करना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चॉकलेट स्पॉन्ज बना लिया है और स्पॉन्ज का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके ये वीडियो आप जरूर उट कर सकते हो और नेक्स्ट मैंने ये पर ले ली है चॉकलेट गनाज और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और पानी और इन तीनों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी की मदद से आज मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज को सोक किया है आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मल पानी या फिर शुगर सिरप के मदद से भी आप स्पॉन्ज को सोक कर सकते हो तो आज इस केक का थीम है बेटी थीम केक तो ये केक जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उनके बेटी के बर्थडे के लिए ये केक था तो उन्होंने बोला कि बी टी एस थीम के ऊपर कोई केक का डेकोरेशन चाहिए तो पहले मुझे पता नहीं था कि इस बी टी एस थीम के ऊपर भी कोई केक का डेकोरेशन होता है तो बाद में मैंने गूगल पर सर्च किया और उन्होंने एक प्रेफरेंस पिक भी भेजा था और अगर आप बहुत दिनों से मेरे वीडियोस के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मैं जहा पर रहती हूँ वहाँ पर कोई भी रॉ मेटेरियल्स का शॉप अवेलेबल नहीं है बहुत दूर से मुझे सारी चीजें मंगवाना पड़ता है तो ये केक मुझे दो तीन दिन पहले ही ऑर्डर मिला था लेकिन मेरे पास कोई भी बीटीएस थीम के ऊपर टॉप आर्ट अवेलेबल नहीं था मेरे पास तो बाद में मैंने यहाँ पर बी टी एस के टैक्स एंड टॉपर्ट्स जो होता है वो सारे मैंने फोटो पेपर में प्रिंट आउट कर लिया था और बहुत ही अच्छे से कट भी कर लिया ताकि एकदम टैक्स एंड टॉप आर्ट्स की तरह दिखे और इस केक को क्राम कोटिंग करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था करीबन आधा घंटे के लिए ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर पिंक कलर के सास केक को आइसिंग किया है आप चाहो तो यहाँ पर केक का जो कलर है उसको आप चेंज भी कर सकते हो और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक स्क्रैपर की मदद से बहुत से कर लिया अवेलेबल नहीं है तो वाइट जेल कलर मिक्स करके भी आप ये ड्रॉपर मतलब जो वाटर ड्रॉपिंग है वो आप बना सकते हो और ये वैनिला ग्लेस भी बहुत अच्छा होता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और कॉन्सिस्टेंसी भी लेकिन ये थोड़ा बहुत न्यूट्रल जेल से प्राइस ही होता है इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आपके पास है तो आप जरूर यूज कर लीजिएगा और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक सीट की मदद से बहुत ही अच्छे से इस वेनिलास को स्प्रेड कर दिया और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है दोनों कलर का क्रीम और टैक्स एंड टॉपर्स और ये जो कलर है ये मैंने यहाँ पर एस कलर बनाने के लिए व्पिंग क्रीम के साथ ब्लैक जेल कलर यूज किया है और ये जो ऑरेंजिस टाइप का कलर है ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्पिंग क्रीम के साथ थोड़ा बहुत रेड जेल कलर यूज किया है और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने एक रेफरेंस पिक भी मुझे भेजे थे। और वैसे ही बनाने की मैंने कोशिश किया है आप चाहे तो यहाँ पर डिजाइन हल्का फुल्का चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पर मैंने एक ट्विस्टर नोजल और एक स्टार नोजल मैंने यूज किया है आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नोजल यहाँ पर यूज कर सकते हो पता नहीं इस वीडियोज में ये एक

कोई भी बॉर्डर या फिर कोई भी नोजल का डिजाइन आप बना सकते हो तो इसके का फ्लेवर था चॉकलेट इसका वेट था एक पाउंड लेकिन इसके को डेकोरेशन करते करते ये करीबन डेढ़ पाउंड का हो गया था और इसका प्राइस मैंने सिक्स हंड्रेड लिया है आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को कम या ज्यादा भी ले सकते हो तो फाइनली मेरा केक का डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट है आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इस केक का कलर कॉम्बिनेशन इस केक का डेकोरेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट पे जरूर बताना और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए डेकोरेशन के साथ कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अभी के लिए बाय बाय